वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। zameen.com की खास बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो वर्चुअल रियलिटी है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको लाहौर में बैठे हुए कराची की प्रॉपर्टी, कराची में लाहौर की, वेयर एवर यू आर, आप अपनी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं और उसे जांच सकते हैं और उसके बाद कोई फैसला कर सकते हैं और यकीनी तौर पर आप बेहतर ही फैसला करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सलीम भाई, इस मरतबा आपकी बात नहीं कटी थी जी। तैयार हैं हम तैयार हैं। शाहीन की बात कर रहे थे, नसीम और शाहीन का जो डियो है, आमिर ने कहा कि वो नसीम की जो लेंथ है वो उनकी फेवरेट है, वो उनके लिए कंफर्टेबल है बटलर और हेल्स के लिए। तो एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, अब क्या स्ट्रेटजी, वो शाहीन को बच के खेलेंगे और फिर नसीम पे अटैक कर देंगे? यही यार, उन्होंने तो अपनी गेम खेलनी है, उन्होंने ये नहीं देखना कि कौन बॉलिंग कर रहा है। बड़ा स्ट्रेट आंसर है, डांसर है। हाँ, नहीं नहीं, वो देखो आमिर, उन्होंने तो अपनी गेम खेली। शाहीन की बॉल पे जिस तरह नहीं, शाहीन का हम ये बात कर रहे थे कि शाहीन का पहला ओवर उसका बड़ा अच्छा स्विंग होता है, अंदर आती है बहुत अच्छी। और जहाँ तक नसीम की बात है, नसीम जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता है, वो उनको सूट करती है जो आमिर बात कर रहे थे कि वो उन दोनों प्लेयर्स के लिए वो उस बॉल को ढूंढ रहे होते हैं। वो हट के मारता है हेल्स, और बटलर जो है वो बैकफुट पे उसको खेलता है। वो इस लिहाज से ये कह रहे थे, वो उसने बात यही की थी कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, एक जेन्युइन बात कर रहे हैं कि उनको कौन सा बॉलर सूट कर सकता है। नसीम का चांस ये है, उसका शाहीन का ये है कि कल अगर उसका अच्छा स्पेल हो जाता है, वो हो रहा है हर मैच में, वो आपको विकेटें दिलवा रहा है, तो अगर उसका स्पेल अगर इन स्विंग अच्छी कर गया, और होनी भी है उसकी, पहला ओवर तो होता ही होता है, दो ओवर तो स्विंग अच्छी खासी उसकी होती है, तो अगर उसका स्पेल अच्छा हो जाए तो वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। मगर डेफिनेटली वो उसको काउंटर करेंगे कि वो जैसे उसने आज उसकी स्विंग ख़त्म करने की कोशिश की है, क्योंकि उनको भी पता है कि शाहीन उस तरह फिट नहीं है। शाहीन की स्प्रिंट से नज़र आता है कि शाहीन स्लो भाग रहा है, जैसे वो फुल आता है वो स्पेस से बॉल नहीं कर रहा, तो वो डेफिनेटली इसको डिस्टर्ब करेगा, आगे खड़ा होएगा ताकि उसकी स्विंग ख़त्म करने की कोशिश करे। अब ये मैच है कल, मतलब जो मैच है हमारा होना है संडे को, ये मैच है। अब मेंटली कौन जीतता है ये उस दिन ही पता चलेगा। तगड़ा जो होगा ना ज़हनी तौर पे, दोनों ही तगड़े हैं, वो भी बच्चा बॉलिंग बैटिंग मैच होगा जो मुझे लगता है। वो जैसे आपके सामने लेट्स से आप खेल रहे हैं, शाहीन जैसे बॉलर जिसका रिदम आउट है, जो रिकवर करके अभी आया, रिदम आउट नहीं है, वो तो आउट करके आउट कर रहा है। नहीं नहीं, मैच फिटनेस फुल वाली वो नहीं, हां मतलब उसकी रिदम खराब कर रहे हैं, परफॉर्म वो कर रहा है, विकेट्स भी ले रहा है सारा कुछ, तो आपकी फिर क्या, जैसे बटलर और हेल्स मूव करते हैं आगे, एक आगे बढ़ के खेल रहा है, एक साइड पे निकल के, बैट्समैन क्या कुछ कर सकता है डिस्टर्ब करने के लिए? वही जो मैंने अभी कहा, इसके अलावा और टैक्टिक्स हैं? देखें, अब ये तो बॉलर पे है, फिर आपकी बारी में जब टाइम खत्म हो जाता है ना, फिर आप ये जो नहीं, ये फिर बॉलर छट्टे में टाइम गुजरता है ना हमारा, ये देखें ये बॉलर का है कि वो कैसे रीड करता है उसको। ऑब्वियसली अगर वो उसको आगे खड़ा होके खेलेगा तो डेफिनेटली एंगल यूज करेगा ताकि उसकी स्लिप लगे, क्योंकि वो ये तो नहीं हो सकता कि वो उसको बिल्कुल ही फुल टॉस देनी शुरू हो जाएगा। बॉलर तो भी रीड करता है ना कि यार मैंने अब क्या करना है, तो डेफिनेटली वो उसको कोई ना कोई तो उसके भी दिमाग में बात होएगी ना, इतना वो एक्सपीरियंस बॉलर है। जैसे आमिर वगैरह बता रहे थे कि वो स्लो वन करके उसको आउट करते रहे, तो कोई ना कोई तो वहाँ होगा उनको बताने के लिए कि यार अब क्या करना है। अब अनफॉर्चुनेटली ये तो दोनों नहीं है, अगर कोई, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि एक्सपीरियंस बंदा साथ होना चाहिए जो बताए कि यार क्या करना है। और ये जो वर्चुअल रियलिटी है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको लाहौर में बैठे हुए कराची की प्रॉपर्टी, कराची में लाहौर की, वेयर एवर यू आर, आप अपनी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं और उसे जांच सकते हैं और उसके बाद कोई फैसला कर सकते हैं और यकीनी तौर पर आप बेहतर ही फैसला करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सलीम भाई, इस मरतबा आपकी बात नहीं कटी थी जी। तैयार हैं हम तैयार हैं। शाहीन की बात कर रहे थे, नसीम और शाहीन का जो डियो है, आमिर ने कहा कि वो नसीम की जो लेंथ है वो उनकी फेवरेट है, वो उनके लिए कंफर्टेबल है बटलर और हेल्स के लिए। तो एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, अब क्या स्ट्रेटजी, वो शाहीन को बच के खेलेंगे और फिर नसीम पे
अटैक कर देंगे, यही यार उन्होंने तो अपनी गेम खेलनी है, उन्होंने ये नहीं देखना कि कौन बॉलिंग कर रहा है। बड़ा बड़ा स्ट्रेट आंसर है, आंसर है। हाँ नहीं नहीं वो देखो आमिर उन्होंने तो अपनी गेम खेलनी है। शाहीन की बॉल पे जिस तरह नहीं, शाहीन का हम ये बात कर रहे थे कि शाहीन का पहला ओवर उसका बड़ा अच्छा स्विंग होता है, अंदर आती है बहुत अच्छी। और जहाँ तक नसीम की बात है, नसीम जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता है, वो उनको सूट करती है जो आमिर बात कर रहे थे कि वो उन दोनों प्लेयर्स के लिए वो उस बॉल को ढूंढ रहे होते हैं, वो हट के मारता है हेल्स और बटलर जो है वो बैकफुट पे उसको खेलता है। वो इस लिहाज से ये कह रहे थे, वो उसने बात यही की थी कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, एक जेन्युइन बात कर रहे हैं कि उनको कौन सा बॉलर सूट कर सकता है। नसीम का चांस ये है, उसका शाहीन का ये है कि कल अगर उसका अच्छा स्पेल हो जाता है, वो हो रहा है हर मैच में, वो आपको विकेटें दिलवा रहा है, तो अगर उसका स्पेल अगर इन स्विंग अच्छी कर गया, और होनी भी है उसकी, पहला ओवर तो होता ही होता है, दो ओवर तो स्विंग अच्छी खासी उसकी होती है, तो अगर उसका स्पेल अच्छा हो जाए तो वो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। मगर डेफिनेटली वो उसको काउंटर करेंगे कि वो जैसे उसने आज उसकी स्विंग ख़त्म करने की कोशिश की है, क्योंकि उनको भी पता है कि शाहीन उस तरह फिट नहीं है। शाहीन की स्प्रिंट से नज़र आता है कि शाहीन स्लो भाग रहा है, जैसे वो फुल आता है वो स्पेस से बॉल नहीं कर रहा, तो वो डेफिनेटली इसको डिस्टर्ब करेगा, आगे खड़ा होएगा ताकि उसकी स्विंग ख़त्म करने की कोशिश करे। अब ये मैच है कल, मतलब जो मैच है हमारा होना है संडे को, ये मैच है, अब मेंटली कौन जीतता है ये उस दिन ही पता चलेगा। तगड़ा जो होगा ना ज़हनी तौर पे, दोनों ही तगड़े हैं, वो भी बॉलिंग बैटिंग मैच होगा जो मुझे लगता है। वो जैसे आपके सामने लेट्स से आप खेल रहे हैं, शाहीन जैसे बॉलर जिसका रिदम आउट है, जो रिकवर करके अभी आया, रिदम आउट नहीं है वो तो आउट करके आउट कर रहा है। नहीं नहीं मैच फिटनेस फुल वाली वो नहीं, हां मतलब उसकी रिदम खराब कर रहे हैं, परफॉर्म वो कर रहा है, विकेट्स भी ले रहा है सारा कुछ, तो आपकी फिर क्या, जैसे बटलर और हेल्स मूव करते हैं आगे, एक आगे बढ़ के खेल रहा है, एक साइड पे निकल के, बैट्समैन क्या कुछ कर सकता है डिस्टर्ब करने के लिए? वही जो मैंने अभी कहा, इसके अलावा और टैक्टिक्स हैं? देखें अब ये तो बॉलर पे फिर है, आपकी बारी में जब टाइम खत्म हो जाता है ना, फिर आप ये जो नहीं ये फिर बॉलर छट्टे में टाइम गुजरता है ना हमारा, ये देखें ये बॉलर का है कि वो कैसे रीड करता है उसको। ऑब्वियसली अगर वो उसको आगे खड़ा होके खेलेगा तो डेफिनेटली एंगल यूज करेगा ताकि उसकी स्लिप लगे, क्योंकि वो ये तो नहीं हो सकता कि वो उसको बिल्कुल ही फुल टॉस देनी शुरू हो जाएगा। बॉलर तो भी रीड करता है ना कि यार मैंने अब क्या करना है, तो डेफिनेटली वो उसको कोई ना कोई तो उसके भी दिमाग में बात होएगी ना, इतना वो एक्सपीरियंस बॉलर है, जैसे आमिर वगैरह बता रहे थे कि वो स्लो वन करके उसको आउट करते रहे, तो कोई ना कोई तो वहाँ होगा उनको बताने के लिए कि यार अब क्या करना है। अब अनफॉर्चुनेटली ये तो दोनों नहीं है, अगर कोई, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि एक्सपीरियंस बंदा साथ होना चाहिए जो बताए कि यार क्या करना है, तो मेरे ख्याल उसको भी उनके साथ काफ़ी लीग्स खेली हैं तो उसको आइडिया होगा क्या। दूसरा अच्छा हो गया ना आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने पूरा मैच देखा होगा, डेफिनेटली इंग्लैंड की बैटिंग को फॉलो किया होगा दोनों को कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे पास क्योंकि अब दो दिन है मजीद, फ्राइडे और सैटरडे हम इस मैच को, आने वाले मैच को भरपूर डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त अलबत्ता आपकी बात भी खत्म हो गया, हमें इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़।